कृष्णा। तो बहुत ही लंबा परिचय प्रभु जी ने दिया, लेकिन हम सबका एक ही परिचय है कि हम सब कृष्ण के दास हैं, और इसके अलावा जो भी है सब उपाधि, और उपाधि का अर्थ होता है ऊपर से लिया हुआ एक्स्ट्रा टेंशन। जैसे मन में कोई चिंता होती है तो उसे आधी कहते हैं, शरीर में कोई रोग होता है उसे व्याधि कहते हैं, लेकिन दिमाग में जो ईगो के कारण हम अपनी फालतू पहचान मान लिए है उसको उपाधि कहते हैं। और संसार में उपाधि के चक्कर में सब पड़े हैं। उपाधि मतलब टाइटल, विरुद्ध गोसाई जी, महाराज जी, मंत्री, ये सब उपाधि का ही खेल है। लेकिन नारद जी ने कहा है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ये सारी उपाधियों से मुक्त होकर हम भगवान ऋषिकेश के दास हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जीवन हईल शेष ना भजिले ऋषिकेश। हमारा जीवन समाप्त हो रहा है और हम भजन में नहीं है। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी इसी भाव को कहते, जानिया सुनिया विष पाए मनुष्य जन्म पाइनो राधा कृष्ण ना भजिले। तो जान बुझ कर हम विष पी रहे, लेकिन जब वैष्णवों का संग होता है तो हमारा सौभाग्य उदित होता है कि साधु सन्निधि में हमें भगवान की लीला, भगवान का स्मरण रूपी धन प्राप्त होता है। तो आप सभी वैष्णव चरणों में मैं भगवत भाव से सादर वंदन करते हुए इतना ही निवेदन करूंगा कि हम सब भागवत के किंकर हैं। कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी भागवत कथाकार है। देखो ये जिसके पीछे भी कार लगता है ना, कलाकार, ये सब कार के चक्कर में ही रहते हैं। सबको कार चाहिए, संस्कार किसी को नहीं चाहिए, लेकिन और उसके पास कथा का कोई आकार भी नहीं होता, लेकिन उसको लेने के लिए कार आए, जाने के लिए कार आए। और अगर आपके पास संस्कार नहीं है तो विकार होगा, और विकार विनाश करता है। हमें हमारे जीवन में विकास करना है। हमारे मोदी जी कहते हैं सबनो साथ सबनो विकास, और विकास ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग मिल ही नहीं रहा अपक्ष वालों को, लेकिन हमें विकास करना है कि विनाश करना है। देखो संसार की छोटी मोटी नश्वर दुख देने वाली वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम इतना प्रयास परिश्रम और पाप करते हैं, और एक दिन ये काया राख होने वाली है, और जीवन में साथ क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं। वो भजन भक्ति सेवा जो असली धन है वो तो किया है। इसीलिए हम सबको समझना चाहिए, अई नंदत नुंज किंकरम पतितम मां विषमे भवान बुतो। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि हम सब नंदत तनय के नंद नंदन के किंकर है, और ये श्रीमद् भागवत उसी नंद नंदन का साक्षात स्वरूप है। तो हम भागवत के भी किंकर है। तो हम सबका परिचय यही है कि हम ग्रंथ भागवत के और भक्त भागवत के किंकर है। किंकर अर्थात क्या, किम करोति, जो हमेशा मैं क्या करूं यही स्वामी के चरणों में पूछता रहे और करता रहे, वो किंकर है। जैसे हनुमान जी का नाम है श्री राम किंकर, तो स्वामी जी ने लिखा है ना, राम काज करि बेको आतुर, हमेशा वो राम सेवा के लिए प्रयुक्त रहते हैं, तो वो राम किंकर है। हम लोग भी वही है, लेकिन भूल गए तो भटक रहे भवसागर। तो हम लोग सुनते ना हॉरर मूवी में या कहीं कि भटकती आत्मा, वो हम ही है और कोई नहीं, हम आत्मा है और क्या कर रहे हैं, भवसागर में भटक रहे। तो भटकती आत्मा मतलब हम लोग,
इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्तों के संग में जब सुनेंगे तो हमारा ये भव सागर भाव सागर हो जाए। और श्रीमद् भागवत हमें एक सुंदर दृष्टि प्रदान करती है जिससे सारी सृष्टि सुंदर लगने लगती है। सर्वत्र एक श्याम एक दृष्टि, सब जगह श्याम दिखते हैं क्योंकि सब भगवान का है, सब में भगवान है और सब भगवान की शक्ति है। तो ये कृष्ण भावना, ये जो स्थावर जंगम ना देखे सर्वत्र हो इष्ट देव की स्फूर्ति, ये जो दृष्टि है ये हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्राप्त होती है। इसीलिए नित्यम भागवत सेवया, इस सूत्र को श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था के माध्यम से पूरे विश्व को ये व्यवस्था दिया कि परंपरा से भगवान व्यास का ये शुद्ध श्रीमद् भागवत ग्रंथ का हमें चिंतन श्रवण कीर्तन करने का सौभाग्य। तो इसलिए हम सभी भक्त श्रील प्रभुपाद के भगवान के ऋणी रहेंगे कि जिन्होंने देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा श्रीमद् भागवत सत्संग सुधा रस हमें प्रदान किया है। तो विशेषकर भागवत महाविद्यालय के सभी वैष्णव को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस दास को वाणी सेवा करने का ये सुंदर अवसर दिया। ऐसे तो मैं अधम हूँ, परम अयोग्य हूँ भागवत कथा के लिए, लेकिन विचार किया जाए तो योग्य कौन है। हमारे आचार्यों का भाव स्मरण होता है, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तोमार करुणा सार। ये सब गुरु वैष्णव भगवान की करुणा है कि हम सब भगवान के गुण श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। बिना किशोरी की कृपा के कथा प्राप्त नहीं हो सकती, हमें कथा मिल रही है, हम कीर्तन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी की कुछ ना कुछ हम पर कृपा अनुकंपा है और हमें इसी को बढ़ाना है जीवन में। तो श्रीमद् भागवत के जो ये शब्द है वो कृष्ण वर्णात्मक जो शब्द है वो कृष्ण से अभिन्न और कृष्ण की तरह ही शरातीत अक्षर है। जैसे गीता में कहते ना, शरात अपि तो हम अक्षरात अपि च उत्तमम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तम योग गीता का है। तो भगवान कहते शर अक्षर से मैं परे हूं और उसी भगवान का ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। तो ये जो शब्द है ना वो भी अक्षर है, मतलब जिनका शय शर नहीं होने वाला, अर्थात हमें अखंड बनाएगा, हमें अक्षय भक्ति रस प्रदान करता है। और कृष्ण रसमय है, रसो वैस, तो उसी भगवान का ये भागवत भी प्रत्येक शब्द नहीं अक्षर अक्षर में रस है, प्रेम है, भक्ति है, भाव है। लेकिन ये भागवत प्रेम भक्ति का जो ये पुष्प है उसमें से मधु वो पराग वो रस निकालने वाला कोई भ्रमर चाहिए। तो ये भ्रमर है हमारे आचार्य श्रीपाद सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीपाद श्रीधर स्वामी, ये सब आचार्यों ने इस भागवत प्रेम पुष्प का भक्ति मधुर रस इकट्ठा किया है हम लोगों के लिए, हम पर अनुग्रह करके। और इसीलिए हमें इन प्रभुपाद जी के आचार्यों के चरणों में रहकर इनका उचिष्ट अनुलेप प्राप्त करना है। हमारे महाराष्ट्र में विठल के महान भक्त हुए, आप सबने नाम सुना होगा, श्री तुकाराम। तुकाराम जी अपने एक अभंग में कहते हैं भक्तों कि वदतो संताची उचिष्ट मी पामरे काय जानावे है। मैं जो कुछ भी कहूंगा पूर्ववर्ती वैष्णव संतों का कहा हुआ कहूंगा उसका उचिष्ट, क्योंकि मैं पामर अधम भगवान के गुण क्या गा सकता हूँ या क्या जानता हूँ। ये सब उन्हीं की कृपा है कि हम प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमान ब्रज सुंदर प्रभु और उनकी टीम ने लिख दिया कि उद्धव संदेश 5 दिन
वाणी सेवा होगी दास के द्वारा, बड़ा ही गुह्य और क्या कहते हैं विप्रलम की जो पराकाष्ठा रस की है भ्रमर गीत। और भ्रमर की इसलिए हमने शुरुआत की, ये भागवत भी प्रेम पुष्प है, इसमें कोई भ्रमर कोई सार ग्रहण करने वाला सारंग भक्त ही इसमें से रस प्राप्त कर सकता है, और इसके लिए हमें आचार्यों के अनुग्रह ही एकमात्र हमारा बल होगा। तो हम विनम्र प्रयास करेंगे आप सब वैष्णव चरणों में, और जिससे आपका उद्धव जी का गोपियों के पास जाना मिलना और कुछ प्रेम चर्चा कृष्ण लीला रस श्रवण कीर्तन, और इससे हमारी भक्ति वर्धन हो, हमारी सेवा साधना में उत्साह आनंद वर्धन हो, और हम सब भागवत के इस कथा के माध्यम से कृष्ण प्रेम जो जीवन का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सके, ऐसा कुछ मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से प्रयास करूंगा। और एक बात कि श्रीमद् भागवत भगवान के साक्षात विग्रह में मुखारविंद कहा जाता है, नवमं तु कंठयो, नवम स्कंद जो कंठ है, और दशमस्तु प्रफुल्ल मुखारविंदम, और ये दसवां स्कंद जो है वो भगवान का मुखारविंद है। मतलब हम दशम स्कंद की लीलाएं सुनते हैं तो आप ये समझिए कि हम भगवान के मुख का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, और भगवान तो पूर्ण आनंदमय है, चित्गन है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम है, सुंदर है किम सुंदरम, नख से लेकर सीख तक भगवान स्त्री आनंद घन चित्तमय रस प्रेम मूर्ति है। लेकिन बिल्लो मंगल ठाकुर ने जैसे कर्णामृत ग्रंथ में कहा है कि मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, कृष्ण का सर्वांग सुंदर शरीर है लेकिन उसमें जो मुखारविंद है उसके लिए दो बार मधुरम मधुरम लगाया, और उसमें भी बहुत सुंदर श्लोक है, मृत गंधि मृदस्मित मेत दहो मधुरम 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 मधुरम, तो उसके लिए चार बार मधुरम लगा दिया, भगवान का स्माइल स्मित कहते हैं ना, हंसता हुआ कृष्ण का मुखड़ा, जैसे लोग कहते चांद का टुकड़ा, लेकिन चांद का टुकड़ा नहीं है ये, चांद खुद कृष्ण के मुख का एक टुकड़ा है, ऐसा दिलकश हमारे कन्हैया का मुखड़ा है, और ऐसे कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन हमें कोटि जन्मों के पाप ताप नष्ट करके और प्रेम रस से हमारे हृदय को भर देता है। तो नैना आंखें मिली है उसका फल भी तो भागवत कहता है, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। तो श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय शब्द ब्रह्म अक्षर विग्रह है, और उसमें दशम स्कंद जो आश्रय तत्व है, और साथ साथ में वांगमय तनु में मुखारविंद है, और इसका भी मुख्य प्रसंग पंच गीत में भ्रमर गीत जो विप्रलम रस की पराकाष्ठा राधा रानी के महाभाव के उद्गार है, उनकी तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उद्धव जी ब्रज में गए और नंद यशोदा से मिले और गोपियों से मिलकर क्या बातें की, उनको हम कुछ सार रूप में संक्षेप में प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवत के श्लोकों का आधार लेते हुए। तो भक्तों आइए श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 46 चैप्टर और प्रथम श्लोक प्रारंभ करते हैं। उद्धव संदेश, श्री शुक उवाच वृष्णिना प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है उद्धव जी के विषय में, और आप सभी जानते हैं उद्धव भगवान कृष्ण के सखा है और चचेरे भाई है। हरिवंश पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है कि देव भागस्य सुतो महाभाग उद्धवो इति। वसुदेव के चाचा के लड़के थे जिसका नाम था देव भाग, और देव भाग के बेटे थे श्री उद्धव जी, और कृष्ण के कजिन ब्रदर और साथ साथ में क्लोज फ्रेंड
अतरंग मित्र थे उद्धव जी। और दूसरी उद्धव जी की विशेषता यह है कि उद्धव जी दिखने में एज इट इज, हमारे यहाँ कहते डिटो कॉपी है, कृष्ण जैसे ही लगते। कहीं भी उद्धव जी जाते थे तो कृष्ण को जो कभी कभी देखे है उसे भ्रम हो जाता था कि साक्षात द्वारकाधीश आ गए क्या। रंग रूप भी ऐसा था और दूसरा एक विलक्षण स्वभाव था उद्धव जी का कि वो कभी भी टेलर में कपड़े सिलाने नहीं गए। कृष्ण जो पहन के निकाल देते थे प्रसादी में वही पहनते थे। जन्म से लेकर जीवन के अंतिम स्तर उद्धव जी में कृष्ण का ही जो निकाला हुआ वस्त्र है, धोती खेस आभूषण व्हाटएवर कुछ भी, कृष्ण का प्रसादी उनको वो जो निकाल, जैसे हमारे होते ना बड़े धारण करते, मतलब ऐसा नहीं कि उद्धव जी के पास पैसा नहीं था या डोनेशन ले रहे, नहीं, ये प्रेम था कृष्ण के प्रति उद्धव जी का, ये अपनत्व, ये समर्पण था। तो ये उद्धव जी का दूसरा परिचय कि वो कृष्ण प्रेमी थे और कृष्ण प्रसाद वास अलंकार यही धारण करते थे जीवन पर, और रंग रूप में भी उनके जैसे ही लगते थे। तो इस तरह उद्धव जी का मैं थोड़ा सा बात करके आइए शब्दों का अर्थ रस आस्वादन करते हैं। श्री शुक उवाच। एक बार आप सभी वैष्णव जहां भी हो और इस कथा को सुन रहे हो, शरीर से आप जहां पर भी बैठो लेकिन मन से चलिए शुक्रताल, जहां पर अत्रि गौतम व्यास वशिष्ठ और विश्वामित्र पराशय और परशुराम, भगवान नारद और वेदव्यास जैसे दीर्घजीवी गुरु गोत्र चलाने वाले महान मूर्धन्य भारतवर्ष की विभूतियां जहां बैठी है, और उसी दिव्य सभा के बीच में व्यास नंदन विरक्त चक्र चूड़ामणि राधा रानी के कृष्ण के प्रेम दूत बरसाने से नंदगांव और नंदगांव से बरसाना, राधा कृष्ण का प्रेम संदेश वाहक जो शुक है गोलोक वृंदावन का, वही भागवत कथा कहने के लिए वही शुक व्यास नंदन शुकदेव गोस्वामी बन के पृथ्वी पर पधारे। और इसीलिए यहाँ पर श्री शुक, श्री मतलब जिसके हृदय में, श्री मतलब राधा रानी, आप तो ब्रज में जानते ही हो श्री जी का साम्राज्य है, तो श्री का प्रेम रस भाव जिनके रोम रोम में, यहां तक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शुकदेव जी के शरीर में खून नहीं, राधा प्रेम रस बहता है, ब्रज रस बहता है, क्योंकि संकीर्तन व्यास की चकीर्तन है, संकीर्तन भक्ति के आचार्य है सिद्धदेव गोस्वामी। और क्या प्रभाव है हमारे शुकदेव जी का, भागवत कहता ना जैसे ही शुकदेव जी परीक्षित की सभा में आए ना तो पूरी सभा एक साथ उनका आदर सत्कार करने के लिए खड़ी हो गई, जबकि दिखने में 16 वर्ष के लग रहे। और वहां पर बैठे परशुराम जो सतयुग के है, वहां पर बैठे विश्वामित्र जो 60,000 वर्ष तो तप किए, 1,00,000 वर्ष की जिनकी आयु है, ये सब दीर्घजीवी बड़े बड़े महात्मा। दूरा देव विलोल लोचन पुटे आलोकितम बाल के स्त्री भी काम भरे लसे न मनसा आनंद लीला मृतम सिद्धोस्पि नमस्कृते सादरम केचितम मुदा श्रीमद् व्यास मुनि सुतो विजयते साक्षात गच्छन् परीक्षित सभा। इस श्लोक में विद्वानों ने वैष्णवों ने वर्णन किया कि शुकदेव जी का उस परीक्षित की दिव्य ऋषि मंडल की सभा में एंट्री कैसे, स्त्री और बालकों से घिरे हुए शुकदेव जी तम दिवष्टि वर्ष सुकुमार पाद, जैसे भागवत जी में भी है श्यामम सदा पीछे वयुंग लक्ष्म्या
त्रिणा रुचिग्र मनोज्ञ, जो सूत जी ने सुनाया नैमिषारण्य में भागवत के दशम स्कंध के 19वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में, तो वर्णन बड़ा दिव्य है। लेकिन सुखदेव जी की कथा करेंगे तो उसी में घंटा बीत जाएगा। लेकिन श्री शुक उवाच, तो ये श्री क्या है? श्री मतलब बाहरी सौंदर्य भी है और हृदय का सौंदर्य भक्ति प्रेम रस का भी है सुखदेव जी में। और वे सुखदेव जी आए ना तो पराशय जी ने कहा, देख व्यास तेरा लाडला आ गया। और पूरी सभा को अपने तेज से मानो ढक रहे, और ऐसा दिव्य आभा प्रभा और शोभा थी कि सब खड़े हो गए। और वर्णन है हमारे ब्रज के संत तो करते हैं कि बड़े बड़े तपस्वी साधु अत्रि गौतम वशिष्ठ व्यास जैसे महामुनि लोग अपनी जटा तो खोल के रजाई पावड़े की तरह बिछा दिए कि महाराज इस पर चल के आइए, हम धन्य हो जाएंगे। कुछ लोग ऋषियों की दाढ़ी थी वहां से वो रास्ता झाड़ू लगाने लगे कि महाराज इस पर चल। और उस सभा के बीच में सुखदेव जी विराजे। हमारे सूत जी महाराज ने भागवत में सुनाया है ना, बुद्ध आपने पढ़ा होगा, ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि संगे व्यरोचतालम भगवान यथेन्दु ग्रह क्षतारा निकरे परीत। और इन सारी ऋषियों के मध्य में सुखदेव जी महाआसन पर विराजे, कैसे लग रहे थे? तो सूत जी उपमा देते हैं कि जैसे आकाश में तारा मंडल के बीच में पूर्णिमा का चांद शोभा देता है, और प्रशांत आसीन अकुंठ मेदस, और एकदम धीर गंभीर जैसी सात्विक तात्विक दिव्य बुद्धि, और हृदय में कृष्ण प्रेम लीला रस का भंडार भरा है श्री शुक। श्री मतलब कृष्ण रस, कृष्ण भक्ति, कृष्ण लीला। और इसके जो आचार्य है से सुखदेव बोल रहे हैं, और सारे साधु मंडल साधुवाद देते हुए अपना कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए सौभाग्य समझते हुए श्रद्धा से सुन रहे हैं। और उसी के बीच में सुखदेव जी सुना रहे हैं, वृष्णिना प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षा उद्धव बुद्धिसत्तमा। इस श्लोक में उद्धव जी का नाम दिया गया भक्तों, और उद्धव जी के 6 विशेषण बताए गए, और इसके बाद वाले श्लोक में 3, टोटल 9 क्वालिटीज, 9 गुण, 9 विशेषताएं उद्धव जी की सुखदेव जी उस सभा में सुना रहे हैं। बहुत सुंदर है ये सुनने लायक। सबसे पहले उद्धव का अर्थ क्या है? आप लोग सुने होंगे कृष्ण का मित्र, अच्छा चेहरा भाई, जैसे हमने कहा महाभाग का बेटा वृष्णिवंशी लाइक यादव, ओके। लेकिन उद्धव का श्लेष अर्थ होता है उत्सव। भगवान कृष्ण मथुरा से ब्रज वृंदावन में गोप गोपियों के पास उद्धव को भेज रहे हैं, अर्थात उत्सव को भेज रहे हैं, आनंद को भेज रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रेमी लोग कृष्ण के विरह में व्यथित है, व्याकुल है। जैसे मछली पानी के बिना तरसती तड़पती है, ऐसे ही कृष्ण प्रेमी ब्रज की गोपियां कृष्ण के बिना तड़प रही है। युगायित निमिषेण चक्षुषा प्रादुषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। तो इसी ब्रज विरहिणी को व्यथा को कथा देने के लिए, क्योंकि तप्त जीवनम श्रवण मंगलम गोपीगीत है ना, तो इस व्यथित ब्रज की व्यथा को मिटाने के लिए, विरह व्यथा को, कृष्ण कथा देने के लिए, उत्सव आनंद को देने के लिए आनंद घन श्री कृष्ण उद्धव को भेज रहा है। तो हमारे संस्कृत में जब आप उत्सव शब्द का व्याख्या करोगे ना कि हमारे यहाँ फेस्टिवल है, उत्सव है, आइए। अभी जैसे जन्माष्टमी उत्सव आ रहा है, 30 तारीख को है जन्म, आप लोग कहते जन्माष्टमी उत्सव, तो उत्सव मतलब क्या? ओके, अब जिसमें लोग नाचते हैं, गाते हैं, संग सिंगार सजते हैं, खुश होते हैं, तैयार होते हैं, एंजॉय फेस्टिवल, वी आर सेलिब्रेटेड फेस्टिवल जन्माष्टमी, अदरवाइज
इंडिया इज द कंट्री ऑफ फेस्टिवल, भारत में तो प्रत्येक दिन उत्सव है। हाँ, जो शादी किया उनकी बात अलग है, उनकी बीवी को नहीं पता उनकी बर्बादी है कि शादी हो जाए, लेकिन ऐसे तो उत्सव ही उत्सव है सबको, ब्रह्मचारियों को उत्सव। तो ओके, सब हमें सुनाना नहीं है, लेकिन वो भी बहुत बातें हैं सुनने के लिए। हमारे यहाँ गुजरात में कहते हैं कि वो कार्ड छपाते ना शादी के, तो उसमें आगे लिखते ची, वो लड़का होता ना, मतलब चिरंजीवी, तो चिरंजीवी पूरा नहीं लिखते, ची लिखते, ची सुरेश विवाह, लिखते मतलब अखंड सौभाग्य, शॉर्ट फॉर्म में कल्पना के साथ निर्धारित किया गया। हंसी कराने वाले सुना रहे, जानते ची का क्या अर्थ है, बोले ची मतलब चिंताग्रस्त, और अखंड सौभाग्य अशो का मतलब अकेली सौभाग्य कराते, अकेली सौ के बराबर उसके साथ फंसने जा रहा है, आप सब लड्डू खाओ। ऐसे ही लड्डू ऐसा ही खाए, पछता ना खाए जो भी, लेकिन खा तो पछताना अच्छा है, ऐसा गुजराती का कहना है आपकी आप जान। लेकिन जो भी हो, उत्सव की बात हो रही है, तो संस्कृत में सव, सव शब्द का अर्थ होता है प्राण, आसव है ना, तो उत्सव मतलब ऊपर उठना, और सव मतलब प्राण। तो हमारा उत्सव के दिन क्या होता है कि हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, ऊर्जा है, आनंद शक्ति है, वो बढ़ती है, ऊपर उठती है। तो उद्धव का अगर आप संस्कृत थोड़ा क्लियर करेंगे, आप सब विद्वान लोग हैं भाई, महाविद्यालय के सब छात्र और विद्यार्थी लोग, हम तो अनपढ़ अधम है, इतना जानते, लेकिन मैंने कहा जो मैंने संतों से सुना, उद हव, अगर इसका उद प्लस हव उद्धव, और हव आप बोलते ना कंठ से निकलता है, हव हव मतलब हवन, हव मतलब हवन को कहते, और उत्सव सव, सव है ना दंतव्य स है, जैसे आप सगड़ी में से ये कहते हैं, वो बोलते ना दो दांत इकट्ठा होंगे तभी स बोल पाएंगे, बोलिए स स, और शंकोरा जो शव होता है, उत्सव शव मतलब डेड बॉडी, वो बोलेंगे ना तो आपकी जीभ तालु को छुएगी, तालव्य शव। अब ये सब संस्कृत के सब बातें हैं, तो यहाँ पर उद्धव उत्सव उत्सव, उद्धव मूल वर्ड तो उद्धव है, लेकिन विद्वानों ने इस पर पोस्टमार्टम कर दिया पूरे शब्द का, और ये शब्द ही तो सार है। विद्वानों के समाज में शब्द की बड़ी, और पावर ऑफ साउंड, शब्द का भी बहुत महत्व है, किसी को थोड़ा इधर उधर बोलते तो महाभारत हो जाए, है ना, शब्द तो ही तो सब पूरा खेल है ना, तो इसीलिए साधु को सावधान होना चाहिए और समझना चाहिए। तो भगवान ब्रज में उत्सव भेज रहे, आनंद भेज रहे। अच्छा, एक प्रश्न किया गया विद्वानों के द्वारा कि खुद क्यों नहीं गए कृष्ण, अपने ब्रज है, अपने प्रेमी है, उद्धव को भेज रहे, समझ रहे कि वो लोग दुखी है, प्रेम में तड़प रहे, तो कौन सा दूर था, बीच में केवल यमुना है, मथुरा और जाना चाहिए ना, लेकिन भगवान खुद नहीं गए और उद्धव को क्यों भेजा, ये कई बार वैष्णवों के हृदय में प्रश्न होता है और होना चाहिए। तो भगवान क्यों नहीं गए, इसके कुछ कारण संतों ने कहे। एक मुख्य कारण तो जीव गोस्वामी ने बाद में बताता हूं कि रसाबास न, लेकिन बाह्य दृष्टि से विचार करें तो नंद बाबा को कहा था भगवान जब विदाई हो रही थी कंस वध के बाद कि जाइए संतुष्ट, इस देश में देखने के लिए आऊंगा, ऐसा वचन भी दिए, और गोपियों को भी कहा था, आयासी दौत्य के दूत के द्वारा जब अक्रूर जी रथ में ले जा रहे थे, गोपियां बीच में आ गई, तो भगवान ने कहा था एक दूत एक सखा को कि कह दो कि मैं रास्ता न रोके, मैं आऊंगा, और बोला, फिर बहुत दिन बीत गए नहीं, लेकिन बोला तो था कि आऊंगा, और नंद बाबा को भी कहा था मथुरा में कि आप जाइए मैं आऊंगा, तो फिर भी क्यों नहीं गए, बोला था फिर भी नहीं कर रहे भगवान, और भगवान बोल के नहीं कर रहे तो बेचारे दूसरे लोग क्या करेंगे। इसलिए सब चिंतन किया गया हमारे संतों के द्वारा, और यही है भागवत रस, अर्थानाम रस आस्वादन सह रसी के, भागवत श्रवण की व्याख्या रूप गोस्वामी भक्ति सिंधु में यही दी है
कि भागवत के शब्दों के लीला के अर्थ का आस्वादन करना, वो भी सह रसिक भक्तों के साथ, और उसके भी अंदर डीप में जाएंगे तो रसी के मतलब जिस रस में जो भक्त है उस रस के साथ, साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य किस रस की चर्चा होगी तो उसके अनुसार चर्चा होगी, तो रसा नंद रस वर्षण होगा, नहीं तो रसा भास हो जाएगा और अपराध भी हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए भागवत श्रवण के अपने अपने स्तर होते हैं, श्रोता वक्ता दोनों अगर कृष्णार्थी हो तो रस बरसता है, नहीं तो एक धनार्थी हो वक्ता इसलिए तथा करता है कि 5-25 हजार मिल जाए, और श्रोता भी इसलिए करता है कि दुनिया देखे देखो मैंने कथा कराया, मैंने इतना खर्चा किया है, तभी दोनों को भगवान क्या चाहिए, अपना नाम चाहिए, पद चाहिए, तो उसमें रस नहीं बरसता, प्रेम भक्ति नहीं बढ़ता। हाँ थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, लोग कहते हैं अच्छा किया मजा आया, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं बढ़ता। अब श्रोता वक्ता का नहीं बढ़ता दूसरे का क्या होगा, और कलयुग में यही कथा चलती है, देखा जाता है कलयुग में तो लिखा भी, और ये सब लिखा भी गया है, कारिता कर्ण लोभे न कथा सारस्वतो गतः, इसलिए कथा का जो सार है कृष्ण प्रेम भक्ति संसार माया से वैराग्य, ये रिजल्ट बहुत कम दिखता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद सावधान थे ऐसे ऐसे व्यवसायी कथा कथाकारों से या कथा अरेंजमेंट से, जहां पर बिना स्वार्थ के और काम पद नाम कोई इच्छा न हो, सबका भक्ति बढ़े, सबका भगवान कृष्ण में प्रेम बढ़े, इस भाव से जो सेवा भाव से कथाएं होती है तो वहां पर भगवान पधारते हैं और वहां रस बरसता है, वहां आनंद बरसता है। देखो ना यहाँ सुखदेव एकदम विरक्त है, कथा कहने वाला दिगंबर एक वस्त्र भी नहीं पहने, पर राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ के विश्व का सम्राट है लेकिन मोबाइल भी लेके नहीं बैठे, नहीं तो हम लोग तो मोबाइल साइलेंट रख ले उसी को परीक्षित का अवतार मानते कि भाई तुम मोबाइल छोड़ दो लेकिन कम से कम 1 घंटा साइलेंट रखो तो हम समझेंगे कि परीक्षित प्रकट हो गए हमारे कृपा में, लेकिन कलयुग में तो 40 मिनट में 40 बार हमको मोबाइल देखना पड़ता, तो प्रभाते व्हाट्सएप दर्शनम चल रहा है, प्रभाते कृष्ण दर्शनम कहाँ हो गया, तो कलयुग में ये सब बातें है। इसीलिए जो तो वास्तव में डिवोटी अपने आप को कहता है उनको ये सब बातों का विवेक पूर्व विचार करते हुए सावधानी से परंपरा से भागवत भक्तों से भागवत सुनना, तब रस भी होगा आनंद भी होगा प्रेम भक्ति भी बढ़ेगा जीवन सफल। तो भागवत श्रवण रूप गोस्वामी के विचारों का मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, मूल चर्चा पर पुनः प्रारंभ करते हैं। उद्धव की चर्चा हो रही है, कृष्ण ने उद्धव को क्यों भेजा, एक महात्मा तो इस पर एक बार मैं सुन रहा था ब्रज में, वो ये भी बोल रहे थे कि देखो सुखदेव जी भी भ्रमर गीत जैसा दिव्याति दिव्य विप्रलम पराकाष्ठा रस प्रसंग कहने जा रहे हैं, तो कृष्ण का नाम इस श्लोक में उद्धव का वर्णन कर रहे हैं, पहले भक्त का वर्णन कर भगवान का नहीं, इस श्लोक में उद्धव के गुण बताए भगवान के नहीं, क्यों, क्योंकि भक्त है तभी तो भगवान है, अगर प्रजा नहीं है तो राजा क्या करेगा, तो प्रजा है तब राजा की महिमा है ना, भक्त है तभी तो भगवान की इतनी महिमा है, ये सब नीतिकारों ने तर्क दिया है। इसलिए पहले भक्त की चर्चा होगी और भक्त की होगी तो भगवान की अपने आप होगी, क्योंकि जहां भक्त है जहां भक्त की कथा प्रारंभ होगी वहां भगवान की कथा ऑटोमेटिक अपने आप होगी। इसीलिए तो भागवत में भी प्रथम स्कंध में सूत जी को प्रश्न करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने परीक्षित तो जन्मर्षि वही तो बात उठाई कि हमें परीक्षित का जन्म सुनना है, उनका कर्म उनका विलाप को सुनना है, क्यों, क्योंकि वहां से ये कृष्ण कथोदय वहीं से कृष्ण कथा का जन्म होगा, तो ये सीधी सी पॉलिसी है। लेकिन उद्धव को क्यों भेजा, तो इसके उत्तर में कुछ विद्वानों का बहुत सुंदर अर्थ जवाब भी दिया गया है कि पहला तो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्सव भेजना चाहते थे, दूसरा ब्रज की गोपियों का जो कृष्ण प्रेम है उसको पूरे वैष्णव जगत को भगवान प्रसिद्ध करना दिखाना चाहते कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य उद्धव जब ब्रज में जाएगा और जब वो सराहना करेगा ब्रज की गोपियों के प्रेम की तो पूरी दुनिया जानेगी
कि क्या है गोपी भाव, क्या है गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम। गोपी प्रेम विश्व में सब वैष्णवों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि उद्धव जी जाए तभी तो वो, हाँ, वो जो प्रेम, जैसे कोई कोई अत्तर सेंट की बोतल होती है, उसकी उसकी ढक्कन खोलो तो खुशबू फैल जाती है ना, ऐसे ही उद्धव जाके गोपी प्रेम की बोतल खोलेंगे तब ये जो प्रेम की खुशबू पूरे वैष्णव जगत में प्रसिद्ध होगी और गोपियां जो जवाब देगी उसका एक के बाद एक। और दूसरा कारण एक यह भी था कि भगवान ने देखा कि मेरे समान रूप है, मेरे ही समान इसका रंग रूप है, और इनको देख के मेरे मिलन की, मेरे दर्शन की संतुष्टि ब्रजवासियों को होगी, क्योंकि ब्रह्म में लोग आई जाते थे कि कृष्ण आ गए क्या, कि उद्धव को देख के कृष्ण का आभास होता है। तो फिर प्रश्न पहला वाला फिर रखते हैं कि फिर कृष्ण खुद क्यों नहीं गए, क्योंकि कृष्ण ने कहा था नंद ब्रज ब्रजवासियों को, नंद बाबा और वसुदेव देवी को भी कहा था भागवत में कि हे माता जी, हे पिताजी, मेरे कारण आपने, और मैं जब तक आपको संतुष्ट कर लूं तब तक मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा आप दोनों को छोड़ के। तो भगवान को अवतार कार्य तो करना ही था, लेकिन साथ साथ में देवजी वसुदेव को भी जो बाल लीला का सुख तो नहीं दे पाए, लेकिन आपको इसलिए उनको भी कहा था भगवान, और भगवान ऊपर से उधर गए के लिए जा नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बीच का रास्ता निकाला है कि श्री उद्धव जी को भेजा है। कौन है उद्धव? तो देखिए यहाँ पर एक पहला विशेषण दिया, बहुत विशेषण है, हम पीछे से चालू करते हैं। शिष्यो बृहस्पते साक्षात, साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे, अर्थात रिटर्न ऑफ हेवन है भाई, जैसे यहाँ कहते ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हमारा लड़का पढ़ के आया, लंदन से डिग्री लगा, कार्ड में भी कुछ लोग छपाते कि हाँ अब वो का जो ये अलग बात है, दिखाना तो सबको दिखाना पड़ता है, सब चाहते कि, तो देखो कोई पुणे की स्वर्ग में, वो स्वर्ग में इंद्र सूर्य चंद्र आदि लोगों को जो सलाह मशुरा देते हैं, गुरु बृहस्पति अंगिरा के बेटे, अब बृहस्पति के साक्षात शिष्य, साक्षात मतलब वो खुद पढ़ाए थे, ऐसा नहीं कि किसी चेले को रख दिया कि भाई इसको, होता ना गुरु लोग तो प्रिंसिपल उनके नीचे कई उनके असिस्टेंट होते हैं, वो लोग नए लोगों को तो वही पढ़ाते रहते, लेकिन खुद बृहस्पति डायरेक्ट पढ़ा रहे थे इनको, क्योंकि इनकी मेधा बुद्धि बहुत हाई तीव्र थी। तो साक्षात शब्द का अर्थ सनातन गोस्वामी बृहद वैष्णव तोषणी में लिखते हैं, न तो शिष्यादि द्वारा अध्ययनम इति अर्थ, साक्षात शब्द का अर्थ भी अपने शिष्यों के द्वारा नहीं पढ़ाए, खुद ही डायरेक्ट पढ़ाए, क्यों? क्योंकि सर्वशास्त्र तत्वज्ञ सभी शास्त्रों के सार तत्व को समझाना था इनको, क्योंकि परम वाग्मित और गुरु बृहस्पति बोलने में विद्या में सबसे बेस्ट है, स्वर्ग में, पृथ्वी की तो छोड़ी, तो स्वर्ग के सबसे बेस्ट टीचर बृहस्पति है, और आप सभी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम सब है, तो हमें ये जानना भी होगा कि यही देव गुरु बृहस्पति कलयुग में, जब श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम में लीला करते थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य बन के आए, और बड़े प्रकांड विद्वान अद्वैत के कट्टर स्कॉलर थे ना, महाप्रभु के साथ उनकी तात्विक चर्चा भी है चैतन्य चरितामृत में, और उनके एक बहनों ही थे गोपीनाथ आचार्य, और उन्होंने कहा था कि आप मान लीजिए साक्षात कृष्ण है, लेकिन ये थोड़ा वेद पांडित्य और तर्क कर ही रहे थे और नहीं समझ रहे थे, लेकिन जब बाद में समझे चैतन्य महाप्रभु के तत्व को और फिर शरणागत हुए तो खुद ही स्वीकार की कि तार्किक श्रीकाल श्रीकाल मध्य भ्यो भ्यो करी सही मुख्य आज हमें परि हरि हरि चैतन्य चरितामृत। और गोपीनाथ जी ने वहां पर एक बहुत सुंदर सिद्धांतिक बात बताई, ईश्वरेर तत्व से ही जानी बारे बारे, भगवान का जिस पर अनुग्रह होता है वही ईश्वर कृपार लेश हित जहारे से ही तो ईश्वर तत्व जानी बारे बारे, ईश्वर का जिस पर कृपा हो वही ईश्वर को जान सकता है। रामायण में भी ये चौपाई है ना कि जानत तुम ही हो जाई, उसके आगे का है कि सो जानो जेव देव जनाई, वही आपको जान पाता है जिसे आप अपने आप को
जना जन समझाना चाहते हो तो। और यही उपनिषद कहता है, ये न वृषभ ऋणीते ते न लभ्य। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में इस श्लोक को रखा है, प्रसाद लेशानुग्रहित एव ही जानाति तत्वम भगवन महिमनो। तो वहां पर बृहस्पति गोपीनाथाचार्य अर्थात सार्वभौम के संवाद को मैं आपको थोड़ा सा स्मरण करा रहा हूँ। इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि हमें कोई भी शिक्षा दीक्षा गुरु मिल जाए, लेकिन जब तक भगवान कृष्ण के हम कृपा पात्र अनुग्रह पात्र और शरण नहीं लेंगे, तब तक अपने आप को योग्य नहीं बना सकते। यहाँ पर श्री उद्धव को साक्षात पढ़ा रहे हैं बृहस्पति। तो साक्षात इति शब्द न ग्रंथादि द्वारा, ऐसा नहीं कि उनके सामने हमारे लिए हमारी तरह नोट चौपड़ी पेन और रिपीट कराना पड़ता था, कुछ नहीं, क्योंकि ये परम शास्त्र के तो पुरुष थे बुद्ध उद्धव जी, और बहुत बुद्धिमान तेज बुद्धि बुद्धि सत्तम आगे टाइटल आएगा ही चर्चा होगी। तो साक्षात मतलब शिष्य के द्वारा नहीं, किसी ग्रंथ से भी नहीं, क्योंकि इनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि स्वयं एवं सर्वशास्त्र अध्यापयाम आस, इसलिए स्वयं सभी शास्त्रों का अध्यापन चक्र ठाकुर कहते हैं कि करा रहे थे। किम कौन से शास्त्र, तो नीति शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, योग शास्त्र है, ज्ञान है, फिर उसमें उपनिषदों का जो उपासना कांड का जो विभाग है ज्ञान कांड का, सब पढ़ा रहे थे। लेकिन चक्र हमारे जीव गोस्वामी एक टीका में एक छोटी सी बात लिख रहे हैं कि नीति शास्त्र आदि योग ज्ञान तप अर्थ धर्म मीमांसा आदि, फिर लिखते हैं श्रीमद भागवत पर्यंत से ज्ञेयम्। श्रीमद भागवत भी कुछ कुछ पढ़ाया गया। आप कहोगे वो कैसे आ गया, वो तो उद्धव को बाद में कृष्ण ने कहा। अरे भाई बाद में कहा कृष्ण लीला में, लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि बृहस्पति संकर्षण संप्रदाय, क्योंकि भक्तों हम तीसरे स्कंद में पढ़ते हैं, वहां पर सुत जी ने सुनाया है कि सनत कुमार एक बार गए थे पाताल में और शेषनाग ने हजार मुख से भगवान ने शेषनाग ने सनत कुमारों को भागवत कहा था, और सनत कुमारों ने संख्यायन मुनि को कहा था, संख्यायन मुनि ने पराशय, और फिर बृहस्पति का भी उसमें चर्चा है। तो बृहस्पति भी भागवत परंपरा में जो नीचे से परंपरा चलती है शेषनाग से, उसमें वो भी सुने हैं, और इसलिए अब साक्षात उद्धव को सुना रहे हैं, तो कुछ कुछ भागवत भी सुनाया था, ये अर्थ निकलेगा। तो शिष्य बृहस्पति साक्षात, ये इस पर चर्चा हो रही है, और उसमें भी बुद्धि सप्तम। अब देखो तम प्रत्यय लगा है जो अति विशेषता को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं ना आप लोग, गुड बेटर बेस्ट के अनुसार लग रही है। तो पूर्णा पूर्णतर पूर्णतम ऐसे लगता है संस्कृत में। तो यहाँ पर बुद्धि बुद्धिस्तर बुद्धि सप्तम मतलब बुद्धिमानों में भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वेरी स्कॉलर, वेरी हाई इंटेलिजेंट, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पावर इसके पास है। मतलब कहने की जो भी वस्तु सुनते उसको समझते हैं और उसको कंट्रोल और याद कर ले, मेधा एक अलग बुद्धि भगवान की कृपा से। तो सनातन गोस्वामी यहाँ पर लिखते हैं कि महाप्रतिभादित्वम, एक अलग प्रतिभा की, और ये केवल कृष्ण की कृपा से होता है। गीता में भगवान ने कहा ददामि बुद्धि, वो देने वाले तो भगवान ही है, और जिस पर अपना समझ के अनुग्रह करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई क्या कहते हैं कोई साधना करके या कुछ करके, ये कृष्ण का ब्लेसिंग है, कृपा है, मर्सी है, पॉजलेसनेस। इसी बात को व्यक्त करते हैं वीर राघव, निसर्गतोपि बुद्धया श्रेष्ठम। निसर्ग मतलब नेचुरल, स्वाभाविक, जैसे सूर्य में प्रकाश स्वाभाविक है, ऐसा नहीं कि भरा गया पेट्रोल डाल गए कोलसा डाल के जलाया जा रहा है, नेचुरल उसमें सब अपना स्वरूप, ऐसे ही नेचुरल स्वाभाविक कृष्ण कृपा से बुद्धिमान है, बुद्धि सप्तम। और इसी का प्रमाण मतलब देखो, एक कहा बृहस्पति के शिष्य है और एक कहा बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ, तो ये दो विशेषण हो गए। और बृहस्पति के शिष्य है इसलिए बुद्धिमान है कि परम बुद्धिमान इसलिए बृहस्पति के शिष्य है, ये भी चिंतन करना पड़ेगा। मुर्गी पहला के हिंदू पहला यानी जो भी बात है, अब तो मुर्गे पहला के बृहस्पति के शिष्य इसलिए बुद्धिमान है कि बुद्धिमान है इसलिए बृहस्पति के शिष्य है। हम लोग वो भजन गाते हैं ना बंगला में,
गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कौर यही दासे, तो आप सबने सुना होगा हाँ, इस्कॉन का बड़ा वैष्णव गीत का फेमस भजन, तो उसमें एक है हाँ? कि गुरुदेव कृपा तबे तो हईबो अपराध हबे हत, तबे तो गाइबो हरि नाम सीखे अपराध हबे हत। फिर भक्त हमको प्रश्न किया कि प्रभु जी जब अपराध शून्य हो जाएंगे तब हरि नाम में सुख मिलेगा, कि हरि नाम शुद्ध लेंगे तब अपराध नष्ट हो जाए, मतलब ठंडा क्या है। ऐसे बहुत सारे है हमारे यहाँ, कहते हो सब पेड़ से बीज आए तो बीज कहाँ से है, बिना बीज के पेड़ कहाँ, तो पेड़ के बिना बीज कहाँ। तो जिसको तर्क ही करना है तर्को प्रतिष्ठन, लेकिन शास्त्रों से संतों से सार वस्तु को ग्रहण करना होता है, यही तो भक्ति मार्ग है हमारा। ये जो आज का विज्ञान है, साइंस कहते हैं जिसे आप लोग, तो उसमें क्या होता है कि साइंस सब प्रैक्टिकली प्रूफ करना पड़ता है राइट, और उसमें लोग विश्वास फिर करते भी। लेकिन जहां रिलीजन की बात है तो रिलीजन इज अ रिजल्ट, वो बिना रिसर्च के पहले रिजल्ट देता, और फिर आप रिसर्च करते रहो, रिजल्ट तो आज नहीं तो कल आना तो नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे शास्त्रों ने रिजल्ट दे दिया कि गाय के गोबर में गुण है, अब ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ है, है। अब तुम प्रूफ करो या ना करो, है सो है, मतलब रिलीजन को रिजल्ट देना पड़ देता है, पर साइंस क्या करता रहता है, रिसर्च, और रिसर्च में भी गलत हो सकता है और उसके ऊपर दूसरा वैज्ञानिक उससे ऊपर रिसर्च करके बताता है, पहले का रोंग करता रहता है। तो कहने का मतलब आप कहोगे प्रभु आप कहना क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये धर्म विज्ञान ऐसा है क्योंकि ये दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिव्य ज्ञान है, और हमारी बुद्धि प्राकृत है, मेटेरियल है, इसीलिए पहले इस पर विश्वास करना पड़ेगा तब रिलीजन, पहले मानना, श्रद्धा श्रद्धा होनी पड़ेगी। जैसे कोई बिजनेस करना हो उसमें श्रद्धा से उसमें रिसर्च कर, लेकिन भक्ति ये धर्म का मार्ग ऐसा है कि पहले मानोगे तब जानोगे, और दुनिया में कैसा है भाई, पहले जानोगे तब मानोगे। तो इसलिए थोड़ा क्या कहते हैं, क्रम्पो नहीं हो रहा है लोगों का और शास्त्रों, लेकिन जिसने किया वो पाया। अब मीरा का विश्वास था, पी गई से हमें ट्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा नहीं है, नहीं तो हमारा आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा, राम बोलोगे राम हो सकता है, लेकिन मीरा मीरा थी, बात अलग है। तो मतलब अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना विश्वास, ऐसा ही रिजल्ट होता है। और हम भागवत कथा सत्संग क्यों करें, ताकि हमारा विश्वास बढ़े भगवान में, शास्त्रों में, संतों में, और विश्वास ही हमारा जीवन प्राण। हमारे गुजराती माँ कहे छे कि भक्ति नो प्राण एटले भरोसो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, ये भक्ति मार्ग सुजात है ना, बल्लभाचार्य का भजन। एनीवे मैं थोड़ा विषय से विषयांतर नहीं करना चाहता, लेकिन जो चर्चा हो रही है उसका सार क्या है कि जब हम शुद्ध हरिनाम जपेंगे तो अपराध अपने आप कम होंगे, और जितनी मात्रा में अपराध कम होंगे उतना शुद्ध, मतलब ये दोनों अरस परस एक दूसरे से जुड़े हुए है सहज। तो ये बुद्धिमान थे, इसीलिए तो बृहस्पति साक्षात पढ़ा रहे थे, क्योंकि सूत्र में ही समझ जाते, और बृहस्पति ने पढ़ाया है इसलिए सिद्ध बुद्धिमान होता है। दोनों परस्पर इसको हम ले सकते हैं देश काल मात्र के अनुसार। लेकिन भक्तों आगे बढ़ते हैं कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, तो देखो वृष्णि वंशी, अब देखो 56 करोड़ यादव है, ये जो कृष्ण भगवान जिस वृष्णि वंश में पैदा और जन्म लिए, इसलिए उसको वाष्णे कहते हैं, वृष्णि वंश। गीता में अर्जुन कहते ना 6 अध्याय में, बलादेव वाष्णेव नियोजित, ऐसी कोई शक्ति है जो मुझे पाप में लगा रही है। तो वृष्णि वंशी कृष्ण है, लेकिन वृष्णि वंशी कितने थे यादव, तो ऐसा आंकड़ा संत लोग बता रहे कि 56 करोड़, और 56 करोड़ यादव, यादव मतलब कृष्ण के सब बुद्धिमान लोग, एक से एक आपके खानदानी बुद्धि होती है ना जो परंपरा से आती है। अब कृष्ण जिस कुल में जन्म लिए यदु राजा, और उस कुल में जो भी पैदा हुए कितने पुण्यवान, कितने बुद्धिमान, कितने महान होंगे, और उन 56 करोड़ यादवों का विदाउट इलेक्शन सिलेक्शन किया गया उद्धव, मतलब कितना हायर इंटेलिजेंट होगा कि जितो 56 करोड़ इस पृथ्वी में सबसे बलवान और सबसे बुद्धिमान जो यादव सेना है, नारायण सेना कहते हैं,
किसको मांगने के लिए अर्जुन और दुर्योधन गए थे कि आ जाए तो काम हो जाए, पर ऐसे 56 करोड़ यादव विदाउट इलेक्शन और ये मत से सब सिलेक्शन करे कि भाई मंत्री कौन बनेगा हमारा, तो सबके जुबान पर एक ही नाम होता है। तो समझे कि यहां तक कृष्ण को भी बुद्धि देता था उनको, जब कोई मैटर होता था सुधर्मा सभा में कि क्या करना चाहिए ना अभी इस पोजीशन में, जैसे भागवत में प्रसंग है ना वो जरासंघ के यहां से लेटर आया और उधर कृष्ण उद्धव से पूछते कि मैं उधर जाऊं कि इधर जाऊं। अब भगवान जो सबको बुद्धि देने वाले हैं वो उद्धव से पूछते कि उद्धव बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ये है उद्धव की बुद्धि सत्तम। और मंत्री मतलब मंत्रणा देने वाले, तो आइए देखो इस पर मैं ज्यादा चर्चा करूं, मैं आपको टीका ही सुनाता हूं संक्षेप में। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं प्रवरो मंत्री के ऊपर कि सर्वे आचरणेन और व्यवहारेण युक्तम, उद्धव की मंत्रणा बात सब मानते थे 56 करोड़ यादव। क्यों? क्योंकि उनका आचरण भी इतना सुंदर था और व्यवहार भी इतना मधुर था। सर्व वशीकरण, सबको अपने वश में अपने वाणी से अपने व्यवहार से अपने मंत्रणा विचार देकर जो स्वार्थ शून्य और सबके हित के लिए होता था, तो इससे वो सबको वश में कर लिए। तो इति अभिप्राय, ये इनका अभिप्राय। और जीव गोस्वामी इस पर अपनी टिप्पणी चलाते हैं कि बाल वृक्षा करुणा आदिना पृथक पृथक भावानाम। अब कोई यादव में कोई बच्चा है, यादव में कोई बूढ़े भी है, यादव में कोई जवान भी, सबकी मति अलग अलग होती है ना। बूढ़ा कुछ ओल्ड बातें करेगा एकदम और जवान है उनका कुछ अलग विचार हो, लेकिन उद्धव जी बच्चा हो यादव बूढ़ा हो या कोई भी, उन सबको अपने अपने स्थान के अनुसार समय के अनुसार इतनी सुंदर सलाह देते थे, इतनी सुंदर मंत्रणा देते थे, विचार देते थे कि सब सही मानकर करने को तैयार हो जाते। इसीलिए भगवान कृष्ण ने सोचा कि एकमात्र उद्धव है जो हमारे, क्योंकि गोकुल में भी कुछ सखा है कुछ सखिया है कुछ नंद बाबा आदि बूढ़े भी है, तो ये उद्धव बच्चों को कैसे समझाना चाहिए, लेडीज को कैसे समझाना चाहिए, युवा लोगों को कैसे समझाना चाहिए और बूढ़ों को कैसे समझाना चाहिए, इसमें वेरी एक्सपर्ट बहुत बुद्धिमान। और देखो आपके पास ज्ञान कितना ही है लेकिन कैसे समझाना किसको ये नहीं मालूम, तो आपका ज्ञान बता काम नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आप संस्कृत के व्याकरण के पंडित हो, तो विभक्ति ज्ञान सब, लेकिन आपके सामने कुछ गांव की स्त्रियां बैठी है प्रभु जी को सुनाई, अब वहां पर आप पाणिनी की के सूत्र झाड़ते रहो, उनके तो पल्ले कुछ पड़े गए ना, और आपका ज्ञान होते हुए भी उनके कोई काम का ज्ञान तो है, तो आपको उस समय भले संस्कृत लेकिन आपको उसको कैसे क्या देना है। हमारा उद्देश्य उनको भक्ति में लगाना, उनके पाप वासना सब छुड़ा देना, तो वो व्याकरण से ज्ञान से नहीं जाएगा ना प्रभु, उनके लिए अलग सिस्टम होता है ना। तो आपके पास ज्ञान कितना है ये इतने आप में गरिमा महिमा है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व इसका है कि किसको कितना कैसे कब देना चाहिए उसमें आपकी बुद्धि है, तब काम तब आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो सरदर्द होगा लाभ नहीं मिलेगा। तो उद्धव जी का ये गुण था, इसीलिए जीव गोस्वामी लिखते हैं कि एक तो किसको कैसे समझाना ये जानते थे और समझाने में जो वाणी प्रयोग करते हैं वो इतना मधुर और सरल होता था कि सबके दिल में उतर जाए, खोपड़ी में घुस जाए बात, बंबई की भाषा एकदम। क्योंकि ये भी देखो आप जब शब्द बोलते हो ना तो शब्दों में भी रस होता है, एक कवि ने कहा है कि शब्दों में भी स्वाद होता है, इसलिए दूसरों को देने से पहले खुद चख लिया करो, है ना। हम लोग चख के मेरा गलत है, सबरी बाई ने चख के दिया ना, तो आप बोल रहे हो आपको ही पता है कड़वा है कि, तो आप दूसरे को सुना रहे हो तो पहले खुद भी तो चख लो कि वे आनो परिणाम हुआ उससे इसका रिजल्ट क्या होगा। भागवत के प्रचारक कान खोलकर सुने, प्रति अक्षरम सुधा बिंदु स्रवंती, एक एक अक्षर में जैसे अमृत मधुर टपक रहा है ऐसी निर्मल वाणी होनी चाहिए।
पवित्रता और प्रेम से भरी हुई, और ये तब होगी जब वो साधना सेवा में कपट छोड़कर वैष्णवों की, भक्तों की, गुरु की, भगवान की। नहीं तो आजकल बात कला तो सबके पास है, बोलना बहुत जान, वो भी उनके द्वारा भी सबको ठग रहा है, सरकार कैसा ठग रहा है, आज ऐसे भी है ना, निस्वार्थ यूज कहाँ होता है। तो ये बहुत बातें है साइडली, लेकिन आप लोग सोचिए इसके विषय में। उद्धव के विषय में लिखा गया प्रवर, मतलब श्रेष्ठ वरम, प्रकृष्ट वरम प्रवर, और मंत्रणा देने में, मतलब शास्त्रों से सही संदेश देने में, मंत्रणा देने में बड़े ही कुशल। वृष्णिना प्रवरो मंत्री, वृष्णिना मतलब वृष्णि पर एक संत बोल रहे थे, हमने सुना था कि वृष्णि किसे कहते हैं, जो हमेशा वर्षा करता रहे, जैसे बादल बरसता है ना, तो जिनका दिल एकदम उदार हो और किसी को कभी ना न कहे, और जो भी उसके दरबार में आए तो उनको, उनके ऊपर क्या करता रहे, आशीर्वाद की, पैसों की, ज्ञान की, जिसके पास जो हो उनकी क्या करे, वर्षती भी वर्षा करता रहे, ऐसा वंश है हमारे ठाकुर जी का वृष्णि वंश। और ऐसे वृष्णि वंश का ये प्रवर है, श्रेष्ठ पुरुष है, और ऐसे वृष्णि वंश का ये मंत्री है। अब इस बात को मैं आपको भागवत से ही प्रमाण लिखा हूं, तो भागवत के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय में वर्णन है कृष्ण के द्वारा, सुखदेव जी के शब्द है, उद्धव न मत न उद्धव अणु अपि न्यूनो, भगवान कहते हैं कि उद्धव जो है वो मेरे से एक अणु मात्र भी कम नहीं है। अभी भगवान अब क्या कहने, वृष्टिनाम प्रवरो मंत्री पर आपको भागवत का प्रमाण चाहिए, तो भगवत वाक्य और सुखदेव का वाक्य है कि कृष्ण कहते हैं कि उद्धव एक ऐसा यादव है जो मेरे से अणु, अणु मतलब माराथी, बिल्कुल मेरे से अणु मात्र भी कम नहीं है। और आप एकादश खंड में चले जाइए भक्त लोग, आप सब भागवत का अध्ययन करते हो, न संकर्षणो न श्री, भगवान क्या बोल देते, यथात्मा भवान, जितना उद्धव तुम मुझे प्रिय हो, तुम्हारे जैसे भक्त प्रिय, उतनी तो मुझे मेरी पत्नी घरवाली लक्ष्मी भी उतनी प्रिय, क्यों तो भगवान ही बोल सकता है, सूरत मुंबई वाला नहीं बोल सकता, नहीं तो रोटी बिना रहे कि मेरी पत्नी, मेरी आत्मा से भी ज्यादा मेरे भक्त मुझे प्रिय है। और कैसे भक्त, भगवान उद्धव तेरे जैसे, ये भगवान के वचन है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री और बृहस्पति के शिष्य है और बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है। और एक बात रह गई है, दयित सखा, कृष्ण का दयित है, दयित माने दया, प्रेम, उदार, सारे गुण उसमें आ जाते हैं, लेकिन दयित मतलब प्रेमी, हम लगते ना प्राण प्रियतम, संस्कृत में लिखेंगे माई डियर, अंग्रेजी में कहते दैत, दैत दृश्यता दीक्षुता होता, गोपी गीत का शब्द है। तो कृष्ण का सखा है, कृष्ण के मित्र है, कृष्ण के प्रिय है, वृष्णियों में प्रवर है और वृष्णियों के मंत्री है, बृहस्पति के शिष्य है और बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ। ऐसे उद्धव को भगवान ने ब्रज वृंदावन में गोपियों को प्रेम संदेश देने के लिए भेजा। अब एक प्रश्न है, क्यों भेजा? तो हमने पहले तो बताया कि उद्धव को क्यों भेजा, खुद नहीं गए, लेकिन फिर भी कि चलो उद्धव को ही भेजा, लेकिन भगवान को अचानक मन में क्यों आया कि मुझे गोपियों को आज ही ऐसा संदेश देना है? ब्रज से आए मथुरा बहुत टाइम हो गया ना, लेकिन आज भगवान को विचार आ रहा है कि मुझे उद्धव को ब्रज, मतलब याद तो रोज आती थी गोपियों, और प्रेमी तो अपने प्रियतम की नित्य याद में खोया ही रहता, लेकिन आज ऐसी कौन सी स्पेशल घटना घट गई कि कृष्ण को रहा नहीं जा रहा है और उद्धव को कहे जा रहे हैं कि तुम जाओ, अभी जाओ। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, उसको हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। तो दूसरा श्लोक और इस रहस्य को कल से सुनेंगे, और आज थोड़ा विलंब हुआ था और आप भक्त, इसलिए मैंने थोड़ा 10 मिनट बाद में ले लिया, 7:45 को चालू किया तो 7:45 तक लिया, और कल 7:30 से 8:30 ही होगा। और कुछ आगे प्रभु जी बोलिए, कृष्ण जो हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा की जय।
हरि बोल श्री केशव प्रभु. एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज प्लीज आस्क. अदरवाइज नाउ वी विल स्टॉप हियर. ओके हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. यस जब भगवान ये तो वो तो कारा घर से बाहर गया था, लेकिन कुछ व्यक्ति बोलते हैं वो एक व्यक्ति से जन्म लिया हुआ है. इसका उत्तर हम सब के कैसे देना है? हरे कृष्णा. सॉरी कुछ सुनाई नहीं दे रहा. हरि बोल. ओके हम यहाँ समाप्त करते हैं. कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं, नहीं तो कल भी पूछ सकते हैं. थैंक यू. हरे कृष्णा.